अब और आज भी ये स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का शेयर प्रेशर में है उन्हीं खबरों के चलते कि चाइना में केबल के दाम घट गए। तो आज बहुत जबरदस्त तो रिपोर्ट बहुत ही डराने वाली है। क्या होगा, निकल जाए जिसके पास है प्रॉफिट, मेरे ख्याल से पहले ही निकल जाते हैं जब वो सर, अभी तो पहले निकले होंगे आई एम श्योर, अब भी निकल सकते हैं क्योंकि अभी भी मेरे ख्याल से वैल्यूएशन काफी ऊपर है। और ये जो स्टोरी है जियो की फाइबर की, ये स्टोरी मेरे ख्याल से बहुत पहले ही प्ले हो चुकी है नंबर्स में आने से। और चाइना का अगर आप प्राइस कट देखें तो वो ट्रेड वॉर बहुत चीजों का इम्पैक्ट फाइबर पे डालता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे 5G जो आएगा वो थोड़ा डिलेड आएगा और उनको काफी इम्पैक्ट आ जाएगा फाइबर पे, तो निकल जाए जाए तो निकल जाए। बाकी साहब आपके पास है भी नहीं? मेरे पास है बट वो मेरे पास 90 के लेवल्स के हैं सर, प्रॉफिट हो रहा है तो मैं सोचता हूँ। कालरा साहब ने बोला, कालरा साहब की एडवाइस ली जाए। कालरा साहब देखिए अपने पड़ोसी होने का फायदा है, कालरा साहब एक बार बता दीजिए जिन लोगों को फंडामेंटल न्यूज़ नहीं मालूम हुआ क्या है उसमें। मेनली ये हुआ है कि अगर आप चाइना में फाइबर, चाइना अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी वाइज और फाइबर वाइज सबसे हाईएस्ट केपेक्स करता है, ठीक बात है। और जब यूएस में काफी कंपनीज हैं, टॉप 3 कंपनीज ग्लोबली है, स्टरलाइट 5th या 6th नंबर पे उस सिस्टम में आता है। और चाइना ने प्राइस कट्स काफी बड़े करे हैं क्योंकि इनका जो केपेक्स है वो केपेक्स वो फाइबर पे 40% डाउन कर रहे हैं उन्होंने। और उसकी वजह से जो यूएस की कंपनीज हैं उनकी 30-40% अर्निंग्स कम ऑलरेडी हो चुकी हैं। स्टरलाइट एक नेगेटिव इम्पैक्ट में जाएगा क्योंकि जो उनका एक्सपोर्ट सिस्टम है जी वो चाइना की डिमांड पे भी इम्पैक्ट करता है। तो अगर वहाँ प्राइस कट्स हुए हैं तो इनकी एक्सपोर्ट जो आज की डेट में 40-45% अर्निंग्स है वहाँ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। तो एक 10-12% का क्वार्टरली इशू नीचे आएगा। और वहाँ पे जो मेरे ख्याल से इवन जियो का एंड है, जो इंफ्रा है, जो डोमेस्टिक है, वहाँ पे भी एसेट सेल्स होंगे और केपेक्स स्लोअर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से स्टरलाइट पे काफी ज्यादा दबाव है और प्लेज शेयर्स का तो ऑलरेडी एक इम्पैक्ट है इस पे। जैसे प्राइसेस नीचे आएंगे, स्टॉक प्राइसेस नीचे आएंगे, प्लेज शेयर भी कहीं ना कहीं सप्लाई में आ जाएगा। ठीक बात है। अगर आप देखिए 2 दिन में आज 4.5% गिरा है, पिछले सेशन में कुछ 8% गिरा था शुक्रवार को, तो 2 दिनों में 12-13% की गिरावट इस स्टॉक में आ चुकी है 220 के करीब। और इस तरह से समीर आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर और भी काफी गिरावट देखने को मिल सकती है।